अध्यक्ष जी, जब भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करने गए तो हमारे देश की आदिवासी दलित राष्ट्रपति को नहीं लेके गए, ताकि उनके प्रोटोकॉल की वजह से मोदी जी पीछे हो। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं, भरे सदन में इस मंत्री ने आते ही पलटा पूरा खेल। मंत्री ने कहा सदन में बीजेपी को आज पूरा नंगा कर डालूंगा। इस मंत्री ने सदन में बीजेपी को पूरा एक्सपोज कर डाला। चलिए देखते हैं वीडियो, ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उनके प्रोटोकॉल की वजह से मोदी जी पीछे हो जाए। जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहां राष्ट्रपति जी को नहीं लेके गए, क्योंकि वो दलित थी और प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री से ऊपर थी। और यही कारण है मोदी जी जब अयोध्या के स्टेशन का उद्घाटन करने गए तो आकाशवाणी हुई, उद्घाटन मत करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं करूंगा। उद्घाटन किया और स्टेशन की दीवार गिर गई। उसके बाद अयोध्या की सड़क, उसका उद्घाटन करने गए, फिर आकाशवाणी हुई कि उद्घाटन मत करो, ये सड़क टूट जाएगी। नहीं माने और उद्घाटन कर दिया, पूरी सड़क धस गई। उसके बाद हमारे शंकराचार्यों ने मना किया, धर्माचार्यों ने मना किया कि मंदिर जो है अधूरा है, इसका उद्घाटन मत करो। उद्घाटन कर दिया, आज वो सारी छत टपक रही है। भगवान श्री राम का जो श्राप इनको झेलना पड़ेगा। बस दो मिनट मेरा टाइम बचा हुआ है, कितना टाइम बचा है वो उसी में पूरा करूंगा। ये तो कर दूंगा। और सुनिए माननीय अध्यक्ष जी सुनिए। और यही नहीं, जो लोग भगवान श्री राम की बात करते थे वो अयोध्या में हारे, वो चित्रकूट के अंदर हारे, वो सीतापुर के अंदर हारे, वो रामेश्वर में हारे और वो बद्रीनाथ में हारे। और मैं कह रहा हूं अब ये केदारनाथ में भी हारेंगे, सीट खाली हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग थे जिनका बयान यह आया था कि राजस्थान में हम 25-25 जीतेंगे? आप बताइए किसने कहा 25-25 जीतेंगे? और ये कहा कि हम 5 लाख से अधिक से जीतेंगे? अध्यक्ष जी, कोई इनका अकाउंट खोल रखा है कि नहीं? जो मर्जी जो बोलेंगे, ये ऊपर वाले की लकड़ी है। जब टिकती है तो आवाज नहीं होती है, ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। इसलिए प्रयागराज भी हारे, नासिक भी हारे, रामटेक भी हारे, यानी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोगों ने खारिज कर दिया। क्या बात करते हो, किस बात की दुहाई देते हो? इन्होंने अध्यक्ष जी छल बल भय भ्रम और भ्रष्टाचार के दम पे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया, संविधान को कमजोर करने का काम किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, राजस्थान के अंदर उड़ा रहे। 400 पार हो गए, 400 पार, अरे 200 पे अटक गए। और मैं कहना चाहूंगा, हमारी वित्त मंत्री जी कह रही थी कि संविधान में कुछ संशोधन की जरूरत है। मैं पूछना चाहूंगा, जब रिप्लाई दें तो बता दें कि अब भी संविधान में संशोधन की जरूरत बच रही है या नहीं बच रही है, जवाब चाहूंगा। इस देश का संविधान जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत लोकतंत्र हमको देता है, हम इस सदन के अंदर जो चर्चा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप टोक रहे हो, आप रिप्लाई दोगे, ये इस संविधान के कारण है। हम इस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, इस संविधान में से गरीब को मारना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को मारना चाहते हैं, नौजवान को अग्निवीर लाके मारना चाहते हैं। आप चाहते क्या है? आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आपकी मंशा आरक्षण को खत्म करने की है। सूरज नहीं डूबा, जरा सी श्याम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा। मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। पहले क्यों चिल्ला रहे हो? आज गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में भारत सरकार के नीट के कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हो रहा? पर हम आप पे कहते, आप हम पे कह दो, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा?
क्या हम सब लोग यहां पे जो चुन के आते हैं कोई इस प्रकार का प्लान नहीं बना सकते कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो? कानून चाहिए, हमने बनाया, देश के अंदर सबसे मजबूत कानून राजस्थान ने बनाया। पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास, 10 करोड़ का जुर्माना, सरकारी कर्मचारी उसमें लिप्त हो तो नौकरी से बर्खास्त। पूरे देश में सबसे पहला कानून हमने बनाया, भारत सरकार ने बनाया। राजस्थान के मुकाबले 10% है, लेकिन हम इस चीज पे कोई किसी पर आरोप लगा दे, कोई किसी पर आरोप लगा दे, हमने भी 150 लोगों का अरेस्ट किया, आपने भी 100-150 लोगों को अरेस्ट किया। ये जो माफिया है, अपन क्या है, अपन मछलियों को पकड़ रहे हैं और मगरमच्छ जो है खुले घूम रहे हैं। इस दिशा में अपने को काम करने की जरूरत है। हम सब लोग मिलके यही विजन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, और यही आपका यही सरकार की जो नीतियां हैं। अब डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा। खड़े, अरे आपके नेता बोल रहे हैं ये इनको एक दर्द ये हो गया कि मैं हार के भी कैबिनेट हूं, ये जीत के भी स्टेट है, इसलिए चक्कर पड़ रहा है। जा इस चीज का समाधान या तो आप कर दो, नहीं तो ये बेचारा जल जला के ना, पंडित जी जो है बहुत परेशान है। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, और मैं ये बच्ची की कहानी भी इसलिए बताई कि आज समय की जरूरत है, और ये पेपर लीक आज से नहीं हो रहा, पता नहीं कितने समय से हो रहा है। जब एसओ जी गई है, लोगों को उठाया है, पता नहीं कब कब से कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल रहे, और ये हम एक दूसरे पर आरोप लगा लें, लेकिन पेपर लीक करने वाले लोग कौन हैं ये पकड़ में आना बहुत जरूरी है। मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा, एक सुझाव और है मेरा, जो गरीब बच्चे हैं, आज इंटरनेट का प्रयोग बढ़ गया है, सारी चीजें इंटरनेट से हैं, क्या हमने ये प्लान किया है कि हम गरीब बच्चों को भी इंटरनेट कैसे दें? हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की, आप लोगों ने उसको बीच में बंद कर दी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गरीब को भी, क्योंकि वो मोबाइल जो है इंटरनेट फ्री के साथ दिया था 3 साल, तो उन बच्चों तक, उस परिवार तक इंटरनेट कैसे पहुंचे? आज अमीर आदमी तो जो डाटा डलवा लेता है, अभी अंबानी की एक शादी हुई है, एक शादी में ही 499 पार कर दिया, और दूसरे बच्चे की शादी की तो 1000 रुपये जाएगा, ये बोझ तो अपने पे ही आना है। ये वही जियो है जो हमें फ्री दिया गया था, हमें फ्री दिया गया, जब फ्री लॉन्च हुआ मैंने नहीं लिया, फिर 6 महीने और बढ़ाया तब भी मैंने नहीं लिया, फिर 6 महीने और बढ़ाया तब मैंने कहा यार अब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों ने जियो ले लिया, और उसके बाद जैसे ही 6 महीने पूरे हुए, फिर 99, फिर 199, फिर 299, फिर 399, अब 499, कुछ समय में 99, और पता नहीं कितने पैसे बढ़ेंगे और गरीब की जेब कटेगी, और दिन भी घटा दिया। ये बात मैं कहना चाहूँ, तो इसलिए हमें इस विषय पे, मैं समझता हूँ कोई ना कोई बात हमें समझनी पड़ेगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा, कोटा के अंदर जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, किसके बच्चे हों? हमारे बच्चे हैं। एक मजदूर, एक किसान एक समय का खाना नहीं खाता, आज बैठे, आज जिस प्रकार से माननीय सदस्य, जिस प्रकार से रोजाना कोई ऐसा दिन जाता नहीं जब कोटा के अंदर कोई ना कोई बच्चा सुसाइड नहीं करे, तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? अरे आज हमें समझना पड़ेगा। अरे माननीय सदस्य, आप माननीय सदस्य, आज जिस प्रकार से कोचिंग संस्थाओं ने उसको व्यवसाय बना लिया, और व्यवसाय भी नहीं, जब तक शरीर के अंदर खून की आखिरी बूंद नहीं रह जाए तब तक वो उस बच्चे को निचोड़ना चाहते हैं, उसके अभिभावकों को निचोड़ना चाहते हैं। तो क्या सरकार इस पे कानून नहीं बना सकती कि जिस प्रकार से कोचिंग, मैं देख रहा था साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर बैन करने का इरादा सरकार ने कर लिया है,
तो क्या राजस्थान सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि खुद इस प्रकार का मॉडल बनाए कि ये जो मगरमच्छ बैठे हैं जो लूट रहे जनता को और बच्चों पे जो फालतू का जो लोड पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उस उन बच्चों को बाहर निकाला जा सके। इस दिशा में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम लोग नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ लोग मिले हुए हैं जो चाहते नहीं एक धंधा बंद हो। गरीब का बच्चा किस प्रकार से अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर सकता है, हमने तय किया। उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने दिए, हमने कॉलेजें खोली, हमने उन बच्चों को विदेश पढ़ने की व्यवस्था की। आज किस प्रकार से जो व्यवस्था है यहाँ पे की जा रही है हमें समझना पड़ेगा। मैं तो एक बात ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।